एकदम सही वीडियो पकड़ा है भाई, आज शुक्रिया मानोगे कि भाई मैंने आज इस वीडियो को देखा, लाइफ लॉन्ग काम आने वाला वीडियो भाई। तो आज हम जानेंगे एंड्रयू टेट के बारे में। अब भाई एंड्रयू टेट को कौन नहीं जानता, एक बोल्ड पर्सनालिटी, एक मैग्नीट्यूड एटीट्यूड, एक कैरेक्टर पर्सन, सभी लोग दीवाने हैं एंड्रयू टेट की पर्सनालिटी के, सभी लोग दीवाने हैं एंड्रयू टेट की कम्युनिकेशन स्किल्स पे। इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर ओन माइंड देन यू गो थ्रू लाइफ विद जीरो कंट्रोल, जीरो इन्फ्लुएंस, यू कैन कंट्रोल एनीथिंग। अब एंड्रयू टेट के हेटर्स भी बहुत हैं, मोस्ट वुमेन्स एंड्रयू टेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। डू यू नो हु एंड्रयू टेट इज? आई हेट दैट गाय। लेकिन मैन एंड्रयू टेट को एक पर्सनालिटी गुरु समझते हैं। उनसे सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि भाई एंड्रयू टेट का जो एटीट्यूड है वो हम भी अपनाना चाहते हैं। एंड्रयू टेट एक ऐसा बंदा है जिसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है या फिर सोसाइटी क्या सोच रही है, और वो क्वालिटी या फिर ऐसा एटीट्यूड हम अडेप्ट कैसे करेंगे। तो भाई आज मैं बताने वाला हूँ एंड्रयू टेट के वो तीन रूल्स, वो तीन सीक्रेट जो वो बंदा अपनी लाइफ में फॉलो करता है। तो भाई ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये तीन रूल्स आपको लाइफ लॉन्ग तक काम आएंगे और ये तीन रूल्स आपकी जिंदगी बदल के रख देंगे। तो भाई किस बात की देनी। अब भाई एंड्रयू टेट का पहला रूल या फिर सीक्रेट जो बंदा अपने लाइफ में फॉलो करता है, और आपने हमेशा एंड्रयू टेट को ये रूल फॉलो करते हुए देखा होगा, और वो है बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इसका मतलब क्या भाई, इसका मतलब ये जो एंड्रयू टेट सोचता है वो जो अंदर फील करता है मुंह पे बोल देता है किसी को भी। Depression is not real. Feeling depressed is real. People said they like it, some people said they don't like it, and I said, well, what color is your baguette? Oh, fuck off then. Cancel me, I do not care, I don't care. I exist outside of the matrix. No one can damage me. जो वो फील करता है, जो सोचता है, वो जो समझता है, वो कहता है। अब ये बंदा ये नहीं सोचता कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो किसी को बुरा लग सकता है, ये लग सकता है, ऐसा नहीं सोचता वो। अब सामने वाले को अच्छा लगे ना लगे, इस बंदे को वाकई में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एंड्रयू टेट के हिसाब से इसको जो फील होता है वो कहना जरूरी है। अब जो एक मैन होता है उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये होती है कि वो सामने वाले को अच्छा लगे या फिर ना लगे, जो उसने गलती की है तो उसके मुँह पर कह देगा कि भाई आपकी ये गलती है या फिर आपने ये गलत किया तो आपने गलत किया है। अब ऐसा नहीं कि भाई हाँ इट्स ओके, वो क्वालिटी उसके अंदर नहीं है। अगर उसने कुछ गलत किया तो भाई मुँह पर बोल देगा दैट ब्रदर यू आर रॉन्ग, और उसके लिए गट्स चाहिए ब्रो, गट्स, एक हिम्मत, एक जिगरा चाहिए, और वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। और वो कैसे हो सकता है कि भाई आपको हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है, जो आपके दिमाग में है, जो आपके दिल में है, वो आपके मुंह पे होना चाहिए। बढ़ते हैं अब सेकेंड रूल की ओर जो एंड्रयू टेट फॉलो करता है, एंड दैट इज नेवर बेग फॉर अटेंशन। अब भाइयों अभी का जो जमाना है, अभी का जो टाइम चल रहा है, मैक्सिमम लोगों को अटेंशन चाहिए। अब चाहे इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, कहीं पे कुछ भी हो गया, लोग अपना एटीट्यूड, अपना कैरेक्टर को, अपनी वैल्यूज को इतना मायने नहीं देते। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर लेंगे फॉलोअर्स के लिए, अटेंशन के लिए। आपने नोटिस किया होगा इंस्टाग्राम पे ऐसी ऐसी बकवास रील्स पड़ी है, उन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नहीं, अटेंशन के लिए कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी बोले तो कुछ भी, कितनी भी गंदी हरकत भी कर लेंगे, बट उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको चाहिए सिर्फ लोगों का अटेंशन, लाइक्स और कमेंट, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, नंबर्स क्वांटिटी में कमेंट्स चाहिए। बट अपना जो एंड्रयू टेट है वो किसी का अटेंशन ग्रैब नहीं करना चाहता। आप समझ पा रहे हो, मतलब कुछ अटेंशन ग्रैब करने के लिए बंदा ऐसी कोई फालतू हरकत नहीं करता, जो इसको लगता है वो कह देता है, जो ये सोचता है वो कह देता है। अब ऐसा नहीं कि मतलब ये सोचता कुछ और है और कहता कुछ और है, नहीं भाई। अब ये नहीं सोचेगा कि भाई सामने वाला को ये अच्छा लगेगा या फिर नहीं लगेगा। एंड्रयू टेट का सीधा सा फंडा है, सीधा सा रूल है दैट नेवर बेग फॉर अटेंशन। और अब एंड्रयू टेट का थर्ड रूल है नेवर सैक्रिफाइस योर कैरेक्टर। जैसे हमेशा मैं कहता हूँ, योर कैरेक्टर इज एवरीथिंग। अब भाई मैं आपको एक कहानी से समझाने वाला हूँ कि भाई आखिर ये कैरेक्टर है क्या और हमें सैक्रिफाइस कैसे नहीं करना है। अब भाई दो दोस्त होते हैं, राहुल और मनोज। अब भाई अपना जो राहुल है वो बहुत ही एक मैन टाइप, एक बोल्ड पर्सन, और खुद की वैल्यू रिस्पेक्ट हमेशा करता है, ठीक है ना। उसके लिए उसका एटीट्यूड, उसका कैरेक्टर ही सब कुछ है। उसके लिए सक्सेस इतनी मायने नहीं रखती है जितना उसका एटीट्यूड और कैरेक्टर है,
ठीक है, दोनों दोस्त होते हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। अब एक साइड मनोज होता है जो बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही पैशनेट, अपने ड्रीम को हासिल करना ही करना है, बहुत अमीर बनना है, बहुत पैसा कमाना है, ठीक है। अब दोनों जाते हैं जॉब के लिए, अब जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं। अब जब मनोज इंटरव्यू के लिए जाता है, ऑफिस के अंदर इंटर करता है, पहले तो वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, जहाँ वो अपने अपने गुड गुड क्वालिटीज, जो उसने अच्छे अच्छे काम किए हैं, वो सब इंटरव्यूअर को बता देता है कि भाई मैंने अपनी लाइफ में ये हासिल किया है, वो हासिल किया है, मेरे अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ है, मैं एक फुटबॉलर हूँ, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मैं कोडिंग वगैरह कर लेता हूँ, बहुत सारी क्वालिटीज़ वो बता देता है। फिर एक भी बैड क्वालिटीज़ वो नहीं कहता इंटरव्यूअर, क्योंकि वो अपना इंप्रेशन ख़राब नहीं करना चाहता, वो एक फेक इमेज उधर क्रिएट कर रहा है, जो नहीं है वो भी वो कहता है। अब इंटरव्यू के बाद जो इंटरव्यूअर कहता है कि भाई ये है हमारी पॉलिसीज है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको 9 to 5 या फिर 9 to 8 भी काम करना पड़ेगा, और अगर काम ज़्यादा है तो फिर उससे ओवर टाइम भी आपको करना पड़ेगा, और हम आपको पे नहीं करेंगे, बट आपका जॉब श्योर है, पक्का है। अब इसके बाद मनोज बाहर आ जाता है और अपना राहुल भाई इंटरव्यू के लिए जाता है। अब इंटरव्यू के लिए जाता है तो वो बंदा प्रिपेयर्ड इतना होता नहीं है, क्योंकि भाई उसको पता है खुद के बारे में, उसको उधर कुछ फेक बातें नहीं कहनी या फिर कुछ फेक कुछ कहना नहीं है, जो वो है वो उधर रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको अपने बारे में सब कुछ पता, और उसने क्या क्या अपनी लाइफ में अचीव किया है वो भी वो जानता है, तो उसको कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं थी, वो उसके अंदर कोई फियर ना कोई नर्वसनेस थी। अंदर घुसता है बंदा, बताता है कि भाई मैं सब ये करता हूँ, और इससे पहले भी मैंने कई जॉब छोड़ दिए, और उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं जो पर्सनल है, बट मुझे आपकी कंपनी में काफ़ी इंटरेस्ट लगा, और मैं चाहता हूँ जो मेरी क्वालिटीज़ है और जो मेरे अंदर पैशन है वो आपकी कंपनी, और अगर आपने मेरे को सेलेक्ट किया तो हमारी कंपनी को हम और भी अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। अब उसके बाद इंटरव्यूअर पॉलिसी से बताता है कि भाई आपको 9 to 8 तक जॉब करना पड़ेगा, और फिर अगर कुछ ओवर टाइम है तो वो भी करना पड़ेगा, और हम उसके लिए पे नहीं करेंगे। तो सीधा सा वो बंदा कहता है कि भाई सर हाँ बात तो सही है, मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, बट 8 o'clock के बाद मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पर्सनल काम है, मैं खुद के ऊपर वर्क करता हूँ, मेरी फिटनेस है, मेरे को जिम करनी है, मैं और भी मेरी जो एक्टिविटीज़ है, फैमिली के साथ टाइम वगैरह स्पेंड करता हूँ, तो वो मेरा पर्सनल लाइफ है, तो 8 o'clock तक मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, और उसके बाद मैं नहीं कर सकता हूँ, चाहे आप मुझे जॉब दो या फिर ना दो, वो आपके ऊपर है। अब इंटरव्यूअर को इस बंदे का एटीट्यूड काफ़ी सॉलिड लगा, काफ़ी अमेजिंग लगा, तो दोनों बंदों को वो सेलेक्ट कर लेता है। अब क्या होता है कि जब मनोज एक जॉब के लिए उसने सब कुछ अपनी वैल्यूज, अपनी रिस्पेक्ट वगैरह सब कुछ दांव पे लगा दी, और उसकी वजह से क्या हुआ कि उसका बॉस हमेशा उसको घिसता था कि भाई हाँ ये बंदा तो नाइस गाई है, और उसको जो भी काम है वो कर लेगा, पैसों के लिए कुछ भी कर लेगा, बट दूसरा बंदा ये अपना राहुल हो गया, ये ऐसा करेगा नहीं, इसको पता है कि भाई पैसा दो या फिर ना दो, 9 to 8 तक मैं जॉब करेगा, और उसके बाद फुर मैं अपना काम करेगा वो, तो इसके लिए एक रिस्पेक्ट, एक वैल्यू बॉस करता था, और इसको कभी भी कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं देता था, क्योंकि ये बंदा नहीं करेगा, सीधा सा बात है, अगर निकालना है तो निकाल दो, सीधा सा बंदा है, बट एक्स्ट्रा काम या फिर फालतू बात है, टॉर्चर वगैरह ये बंदा बिल्कुल नहीं झेल सकता, किसी के भी अंडर ये काम करने वाला नहीं है, प्रेशर पे काम करेगा नहीं, ये उसके बॉस को पता था, तो उसके हिसाब से एक वैल्यू से उसको ट्रीट करते थे। आप ही बताओ मनोज और राहुल में क्या फ़र्क था। अब मनोज ने अपना कैरेक्टर, अपना वैल्यूज सैक्रिफाइस कर लिया, अब दूसरा बंदा राहुल उसने सैक्रिफाइस नहीं किया, उसके लिए उसका वैल्यू, उसका कैरेक्टर, उसका एटीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता था, तो यही कहता है कि आपको अपना कैरेक्टर कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आपका एटीट्यूड, आपका कैरेक्टर सब कुछ है, आपकी पहचान, आपका एटीट्यूड, आप करोड़ों आप लाखों अर्न कर लो, बट आपका कैरेक्टर, आपका एटीट्यूड आपके साथ नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा उस पैसों का। तो भाई ये तीनों रूल्स आज से ही अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दो, और मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई इंस्टाग्राम पे आजकल मैं थोड़ा एक्टिव हूँ, तो आपको कुछ भी आपकी क्यूरीज, आपका क्वेश्चन है तो मुझे उधर जाकर बताइए, और बातें करेंगे, आ जाइए इंस्टाग्राम पे। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय हिंद, जय जवान।